नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आ गया हूं। इलॉन मस्क 8 कंपनीज दैट विल चेंज द वर्ल्ड। इलॉन मस्क के बारे में तो दोस्तों हम जानते ही है, वो एक डायनामिक विजनरी एंटरप्रेन्योर है जिनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं और वो ऐसा अजीबो गरीब कंपनीज लेकर आते हैं जो शायद कोई बच्चा, हम जब बचपन में थे तो हम सोचते थे कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम रिजॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी से गाड़ी चले, हम मार्स में जाए और मार्स में रहना शुरू कर दे, हमारे दिमाग में एक चिप लगा दिया जाए जिससे हम सारा पढ़ाई कर ले और हमें इतना पढ़ना ना पड़े। आप जो भी कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हो दोस्तों, लेट मी जस्ट टेल यू कि ऐसे कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं जो इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। इलॉन मस्क के 8 बड़े कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे जो इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर है और वो किस तरीके से एक्चुअल में ऐसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारा हम आगे देखेंगे कि कैसे रिजॉल्व होगा। सो इन द फील्ड ऑफ एनर्जी जो कि एग्जॉस्टेबल है, हमें पता है कि एनर्जी ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन, इन द सेंस कि कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स तो हमारे पास लिमिटेड है, तो हम उसके लिए क्या करें, तो हम सोलर पैनल से ऐसा कुछ लगा सकते हैं। कम्युनिकेशन, स्पेस, इंटरनेट के बारे में हम बात करेंगे और ट्रैवलिंग के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से स्पीड, फास्ट या ट्रैफिक जाम से हम बचकर हवा में उड़कर या ज़मीन के अंदर से घुसकर कैसे फटफट हम पहुंच जाए एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा बहुत सारा टॉपिक्स है जिसके बारे में वील कवर दिस टाइम। प्लीज़ आते के साथ ही लाइक कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ये सेशन आपके लिए स्पेशली बनाया गया। ये हैं इलॉन मस्क के अलग अलग कंपनीज जिसमें इलॉन मस्क आज प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। टेस्ला, जो कि इंडस्ट्री का नाम देखते रहिए, टेस्ला इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, SpaceX इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री, सोलर सिटी इन द एनर्जी इंडस्ट्री, हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट में, ओपन AI, फ्यूचर ऑफ लाइफ, Neuralink, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये सब, ये AI के अंडर में, Starlink टेलीकॉम के अंडर में जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन वाला, बोरिंग कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब दोस्तों हम इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, प्लीज़ बने रहिए और देखिए, आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहला कंपनी है हमारा टेस्ला। सो टेस्ला के बारे में एज वी नो कि सबसे पहले इलॉन मस्क वॉज दैट पर्सन जिन्होंने कहा था कि हाँ, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और लिमिटेड भी है रिसोर्सेज, तो हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे। और उस समय उनको बहुत रिब्यूक किया गया था और कहा गया था कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पागल आदमी है, बट इंटरेस्टिंगली ये पॉसिबल हो गया है और टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आज के दिन टोयोटा को बीट करके वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोटिव कंपनी बन गया। US में तो इसके बहुत गाड़ी बिक रहे हैं, इतने गाड़ी बिक रहे हैं दोस्तों कि उनके पास प्री ऑर्डर्स पड़े हैं, वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे आज के दिन, और सारे कंपनीज अब अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं। 2025-26 तक आप इंडिया में भी देखोगे बहुत सारे कंपनीज लेकर आ जाएंगे। सो वो टेस्ला का काम है अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देना, ऑटोमोटिव ड्राइविंग टेक्नोलॉजी यूज करना, सेल्फ ड्राइविंग, ड्राइवरलेस कार, नेक्स्ट जनरेशन सेमी ट्रक्स बनाना। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों सेमी ट्रक्स कितने सुंदर और कितने टफ इलेक्ट्रिक ट्रक्स अब बन रहे हैं। एंड ऑल्सो दोस्तों इंडस्ट्री ब्रेकिंग, ये ध्यान से समझिएगा, 1 मिलियन माइल कार बैटरी। आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा बैटरी वो लॉन्च करने वाले हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं जो 10 लाख किलोमीटर चलेगा एक चार्ज पे, काम खत्म, उसके बाद बैटरी चेंज कर ली, 10 लाख किलोमीटर, एंड उसमें भी वारंटी है 8 साल 10 साल का। सो गेम्स विल चेंज, आपको चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा, आप सोचिए, गाड़ी को चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 मिलियन माइल कार बैटरी। और गीगा फैक्ट्री, वो एक इतना बड़ा फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे कार्स बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका चार्जिंग स्टेशन है जिस तरीके से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, ये वो सेमी ट्रक है, इलेक्ट्रिक ट्रक जिससे ये बैटरी से चलता है पूरा दोस्तों। सो कितना इको फ्रेंडली, आप खाली समझ लीजिए, ड्राइवरलेस, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी एंड टेस्ला गीगा फैक्ट्री। ये इतना बड़ा फैक्ट्री टेस्ला का है दोस्तों, जहाँ पर बिल्कुल मशीन से, रोबोट से गाड़ियाँ बनते, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। और वो बहुत सारा प्रोडक्शन करें और बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं, वेरी मिनिमम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सो ये पहला कंपनी था दोस्तों टेस्ला, ऐसा और साथ है अभी, बने रही है दोस्तों। सेकेंड, सोलर सिटी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सोलर सिटी मतलब कि सोलर पैनल्स लगाकर किस तरीके से हम सूरज की किरणों से एनर्जी लेकर उसे स्टोर कर सकते हैं। सो आप ये सारा घर देख रहे हैं दोस्तों, ये घर के ऊपर खाली सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं।
तो बेसिकली क्या था, सोलर सिटी वॉज अ कंपनी 2006 में, ये दूसरे का कंपनी था जिसको अक्वायर किया गया इलॉन मस्क के थ्रू, और इसका एम बिल्कुल यही है कि हमें कार्बन न्यूट्रल प्लैनेट बनाना है, कार्बन न्यूट्रल प्लैनेट जिसमें कि पोल्यूशन ना हो, ताकि ह्यूमन रेस का लॉन्जिविटी हो, नहीं तो हम मर जाएंगे एक ना एक दिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से। सो टारगेट्स बेसिकली ये रेगुलर कंज्यूमर्स को टारगेट करता है, यूएस के सारे कंज्यूमर्स को जो अपने घर में एक सोलर रूफ टाइल लगा ले, आप पत्थर ईटा नहीं लगाकर आप सोलर रूफ टाइल लगाइए और उससे आप अपना घर बना लीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है दोस्तों, कि आप जितना भी एनर्जी आपके जनरेट होगा वो आप एक बैटरी में स्टोर कर लीजिए, या टेस्ला पावर बोलकर एक ऐसा कुछ होगा आपके घर में जिसमें आप स्टोर कर लीजिए और उसी से आप अपने गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, या फिर और कुछ भी नहीं तो आप एक यूएस का ही या फिर अपने कंट्री का जो नेशनल ग्रिड है जहाँ से सबको इलेक्ट्रिसिटी जाता है आप उसको बेच दीजिए, आप उसको बेच दीजिए और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो प्रॉफिट मेकिंग मॉडल बना दिया दोस्तों। तो ऐसे दिखने लगेंगे घर आगे सोलर सिटी में, जहाँ पर सोलर पैनल्स यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, और ये इलॉन मस्क है विद दैट सोलर रूफ टाइल, जो कि इतना अफोर्डेबल बना दिया गया है कि आप ब्रिक या जैसा कुछ होता है ना बिल्कुल उसके जगह आप ऐसा लगा दीजिए जिससे कि आपको अब प्रॉफिट भी होगा, आप नेशनल ग्रिड को बेचिए और घर अब ऐसा होने लग जाएंगे दोस्तों फ्यूचर में, जहाँ पर सोलर सिटी भी हो गया, टेस्ला गाड़ी भी हो गया, और जो भी आप चार्ज में चार्ज आपको मिलेगा इससे आप उससे गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बिल्कुल इको फ्रेंडली। सो थर्ड कंपनी दोस्तों आ जाते हैं, हाइपरलूप कंपनी। हाइपरलूप क्या है, बी एनीवेयर मूव एनीथिंग कनेक्ट एवरीवन। बेसिकली क्या है ये, एक टनल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ईजियर करने के लिए, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए ऐसे ट्रेन्स या मेट्रोज हैं जो कि हाइपर ट्रेन कैप्सूल है विथ मैग्नेटिक एक्सेलरेटर्स, लो प्रेशर एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं और 600 माइल्स पर आर, मतलब आप समझ रहे एरोप्लेन के स्पीड से, एक एयरप्लेन के स्पीड से 6 घंटा का कार जर्नी को 30 मिनट में करवा देगा, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। ये हाइपर लूप एक टनल जैसा बन जाता है, और टनल के अंदर से आप सोच रहे होंगे कि हम क्या सोचते हैं कि ट्रैफिक जाम है जिसमें हमारा कितना टाइम जाता है, तो हम स्काई से हवा में उड़कर कुछ गाड़ी बनाएं, हवा में उड़कर नहीं, हाइपर लूप कहते हैं या इलॉन मस्क कहते हैं कि अंडरग्राउंड क्यों नहीं हो सकता ऐसा पूरा काम अंडरग्राउंड हो सकता है, और या तो फिर ऐसा एक कैप्सूल बनेगा जिसके अंदर सुपर फास्ट ट्रेन्स विल लॉन्च। नाउ नेक्स्ट कंपनी है हमारा बोरिंग कंपनी, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों ये बोरिंग कंपनी, नाम पे मत जाइएगा, बोरिंग मतलब वो नहीं है कि बोरिंग है, बोरिंग का मतलब है डिग डीप इनसाइड एंड अंडरग्राउंड का बात हो रहा है। तो दोस्तों ये भी एक नेक्स्ट लेवल इन्वेंशन है इन लोगों का, जिसमें कि वो कहते हैं कि हम अंडरग्राउंड ट्रैवल सोल्यूशन बना देंगे, गाड़ियाँ अब रास्ते से नहीं चलकर अंडरग्राउंड जाएंगे, गाड़ी आप अपने गाड़ी को अंडरग्राउंड लेकर जाइए जहां पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप सुपर फास्ट स्पीड में चलाइए, अंडरग्राउंड टनल सिस्टम बना रहेगा आपके लिए, स्पीडी ट्रैवल के लिए बहुत काम का। तो आपको बेसिकली करना क्या होगा, आप गाड़ी लेकर एक ऐसे कैप्सूल में जाकर अपने गाड़ी को लगाओगे, ये नीचे जाएगा ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के अंदर से अब आप सुपर फास्ट स्पीड में गाड़ी को चलाइए, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, सुपर फास्ट स्पीड से चलाइए और दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंच जाइए, ये कैप्सूल फिर ऊपर आएगा और गाड़ी बाहर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ सच है, ऐसा काम चल रहा है। नेक्स्ट कंपनी स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के बारे में तो दोस्तों हमें पता ही है, ज़्यादातर हम इनके रॉकेट लॉन्चेस के बारे में सुनते ही है। तो इलॉन मस्क ने अपना खुद का एक स्पेस एजेंसी खोल दिया है, नासा और इसरो जैसे, जहाँ वो अपना खुद का रॉकेट्स बनाते हैं, और उनका मेन एम है कि वो मार्स में कॉलोनी बनाना चाहते हैं, मार्स में अर्थ के जैसे ही लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ अर्थ से मार्स हम जाएंगे, और रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहे हैं वो, मतलब क्या कि एक रॉकेट है जो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाएगा और हम वापस से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अल्ट्रा इन्वेंशन है दोस्तों, जिसमें कि बहुत पैसा भी बचता है, एंड रीयूजेबल रॉकेट्स का ये काम है। और नासा अपना कितना सारा प्रोजेक्ट्स है जो कि अब स्पेसएक्स से करवाता है, ये एक पर्सन का है, नासा इतना बड़ा यूएस संभालता है, आप सोच लीजिए। और एक याकाजू मेजवा इज वन जापानीज बिलियनर जिन्होंने बुक कर लिया है स्पेसएक्स को कि 2023 तक उसे मून में लेकर जाएंगे स्पेसएक्स अपने रॉकेट के अंदर। तो मून है, फिर आगे मार्स का मिशन है दोस्तों, तो स्पेस टूरिज्म बन जाएगा। स्पेस टूरिज्म बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि स्पेसएक्स अब आ रहा है सुपर फास्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेकर। मतलब अगर आपको न्यूयॉर्क से इटली जाना है या न्यूयॉर्क से चाइना जाना है
तो आपको एयरप्लेन में तो टाइम लगता है, एक दिन का टाइम लग जाएगा, 20 घंटा से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। इनका काम यह है स्पेसएक्स का कि वो सब ऑर्बिटल कमर्शियल फ्लाइट्स ऐसा बनाएंगे, वो सीधा रॉकेट से ऊपर जाएगा, अर्थ के बाहर निकलेगा, ऑर्बिट में घूमेगा फास्ट स्पीड में और आपको वहां पहुंचा देगा और आप बहुत जल्दी वहां पहुंच जाओगे। ये रीयूजेबल रॉकेट्स का कहानी है दोस्तों, स्पेसएक्स का, जो ऊपर जाकर रॉकेट को ऊपर लॉन्च करके और फिर वापस से नीचे आकर अपने जगह में आ जाता है। क्या रोबोटिक है दोस्त। और ये है वो जापानीज बिलियनेयर जो मून में 2023 तक जाएंगे। ये वो सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स के बारे में बात है जो अर्थ से बाहर निकल के ऐसे जाएगा और सुपर फास्ट स्पीड में अर्थ को का चक्कर लगाकर दूसरी जगह पहुंचकर आपको वहां पहुंचा देगा, मतलब एरोप्लेन से भी फास्ट। ये नेक्स्ट लेवल थिंग है। नेक्स्ट स्टारलिंक। स्टारलिंक बेसिकली क्या है दोस्तों? स्टारलिंक वो है कि स्पेस इंटरनेट, मतलब कि आप अर्थ के बाहर में ऐसे कॉन्स्टेलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स लगा दोगे जिससे पूरा अर्थ कवर हो गया, जिसमें आपको हाई क्वालिटी अफोर्डेबल इंटरनेट मिलेगा एंटायर प्लैनेट को, हर जगह में मिलेगा। स्टारलिंक के बारे में दोस्तों मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था, बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, जो भी पीटी एजुकेशन चैनल पर है आप उसे भी जाकर देख सकते हो। तो बेसिकली स्टारलिंक में ये होगा कि अब सबके लिए इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, वो भी हाई स्पीड, और वो कॉन्स्टेलेशन ऊपर बना लेंगे और ये हो चुका है दोस्तों। अब देखिए ऐसा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा एंड दिस इज हाउ स्टारलिंक इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्पेस इंटरनेट एजेंसी, जहां पर अभी के लिए वो 713 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं, 2020 में हो चुका है लॉन्च। इलॉन मस्क उसे यूज करते हैं, ट्विटर में ट्वीट करते हैं यूजिंग द स्पेस इंटरनेट, और किसी का नहीं, अपना खुद का इंटरनेट यूज करके स्पेस से वो यूज करते हैं और ट्विटर में ट्वीट भी करते हैं दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये स्पेस इंटरनेट आ जाएगा तो इंटरनेट सस्ता भी हो जाएगा और सबके लिए अवेलेबल भी हो जाएगा और हाई स्पीड भी मिलेगी। नेक्स्ट लेवल थिंग। अब आ जाते हैं ओपन एआई, दिस इज द सेकंड लास्ट ओपन एआई, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सेवेंथ ओपन एआई, ये बेसिकली क्या है? इलॉन मस्क को पता है ये बात कि कभी ना कभी एआई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो हम साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं कि एआई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और रोबोट्स हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इलॉन मस्क का, जहां पर वो कुछ बनाते नहीं है बट वो रिसर्च करते हैं उन सारे लीडिंग एआई टेक्नोलॉजीज को जो कि दूसरे कंपनीज लेकर आ रहे हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल एजेंडा। उनका खाली यही काम होता है कि क्या ये ह्यूमन रेस के लिए ख़राब है या नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करना, वो भी ये अपने लिए लेकर आ गया। ये है ओपन एआई, और हमें पता है एआई किस तरीके से हमारा जॉब्स ले रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो ये है पूरा ओपन एआई का कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट न्यूरालिंक, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा शायद, आई डोंट नो दोस्तों, लास्ट में बताइएगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और सबसे एक्साइटिंग आपको क्या लगा। ये है पार्ट एट न्यूरालिंक। न्यूरालिंक बेसिकली क्या है दोस्तों? आप जो सपने में सोचते होंगे या बचपन में एग्जाम के पहले सोचते होंगे कि ये पूरा बुक का कोई चिप हो जाए, आपके दिमाग में लग जाए और आपको सब कुछ याद हो जाए और आप एग्जाम में इसी तरीके से चिप को लगा दो, जी हाँ ये ट्रू है, ये इसके बारे में अब काम चल रहा है। हमें दोस्तों पता है कि ह्यूमंस का इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा नहीं है जो एआई का है, हम ही बनाते हैं एआई को, लेकिन फिर भी अब हमारा इतना इंटेलिजेंस नहीं है, एआई हमें आउट परफॉर्म कर रहा है मेंटल टास्क में, कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी गेमिंग हो या कुछ भी हो, एआई हमसे बेटर खेलता है। काम ये है कि इलॉन मस्क को ये चीज़ समझ में आता है और इसीलिए उसे पता है कि उन्हें पता है कि एआई का इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, तो एआई हमें ओवर पावर कर देगा किसी ना किसी दिन। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम खुद एआई से लिंक हो जाए, ह्यूमंस के अंदर एआई डाल दो, किस तरीके से? एक चिप डाल दो, और चिप क्या करेगा बेसिकली दोस्तों? यू विल बी ब्लोन अवे, करेगा ये कि आपको कुछ भी इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करने का ज़रूरत नहीं, पूरा इंटरनेट आपके दिमाग के अंदर एक चिप के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। आपको कोई भी वेरी सॉरी दोस्तों, थोड़ा कफ प्रॉब्लम हो गया, या आपको कोई भी अगर इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना हो तो आप खाली सोचिए और वो इंटरनेट में आपके दिमाग के अंदर ही सर्च करके आपको रिजल्ट दे देगा, काम खत्म। कंप्लीट एक्सेस टू इंटरनेट थ्रू थॉट्स अलोन, और ये दोस्तों पिग्स पे टेस्ट हो चुका है अभी रिसेंटली 2020 में, और अब आगे 2020 में बात है फर्स्ट चिप ये ह्यूमंस के लिए भी लेकर आ जाएंगे 2020 में, और अगले 30-40 साल में तो दोस्तों पता नहीं कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये न्यूरालिंक प्रोजेक्ट ऑफ टेस्ला, ऑफ इलॉन मस्क।
तो इस तरीके से आपके दिमाग में कोई ना कोई चिप डाल दिया जाएगा और पिग्स पे ये टेस्ट हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ हमारे दिमाग के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारा सारा कंपनीज हुआ, टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, हाइपर लूप, ओपन एआई, फ्यूचर ऑफ लाइफ के बारे में हम बात नहीं की, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक। सो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन तो यहाँ एंड होता है, लेकिन आप बताइए कि हाउ मेनी बिजनेस वेंचर्स डू यू थिंक इलॉन मस्क विल बी सक्सेसफुल इन, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू लाइक द मोस्ट, आपके हिसाब से ये आठों में सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद आया और क्यों सबसे ज्यादा पसंद आया ये बताइएगा, एंड टॉप थ्री क्वालिटीज बताइएगा जो यू एडमायर द मोस्ट, यू स्पेसिफिकली एडमायर द मोस्ट अबाउट इलॉन मस्क, और आप वैसा कुछ क्वालिटीज अपने आप में चाहते हो अगर तो वो क्या होगा। इलॉन मस्क इज अ विजनरी, हमें पता है, बहुत डायनामिक है और कम से कम हमें वो होप्स देते हैं, शायद बहुत कुछ अच्छा है बुरा है हमें पता नहीं है, लेकिन एक होप देते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और एक ह्यूमन बीइंग के लिए इतना कुछ पॉसिबल है करना। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों सेशन, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। दीज आर द 8 टॉप कंपनीज ऑफ इलॉन मस्क जो कि वर्ल्ड को चेंज करने निकला है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।